अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है मोहम्मद अमार तो और आज आपको मैं नम पाई के बारे में बताऊंगा और अगर आप इस कोर्स में नए हैं और आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहां पे ये पाइथन का चिल्ला चालीस दिन के अंदर डेटा साइंस पाइथन के साथ सीखने का मौका जो है वो आप ना घुमाएँ और सारी की सारी प्ले का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और ऊपर भी आ रहा है आप वहाँ से नोट डाउन करके उसे ज्वाइन करके देख सकते हैं एंड इफ़ यू विश टू बी इन हर जूम मीटिंग्स देन यू कैन एक्चुअली ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन तो पाइथन की जो नम पाई लाइब्रेरी है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्टॉल करना बताता हूँ अगर आपने पाइथन की नम पाई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है देन यू हैव टू एक्चुअली राइट पिप इंस्टॉल नम पाई एंड देन यू हैव टू एंटर ठीक है तो इस तरीके से ये अंदर इंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी अगर आप मैकबुक यूज़र हैं या लिनक्स की यूज़र हैं तो आप लिख सकते हैं पिप थ्री इंस्टॉल नम ठीक है तो इस तरीके से आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इस वजह से यहाँ पे आपको इस तरीके से नज़र आ रही है तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं जुपिटर नोटबुक पे जाता हूँ जुपिटर नोटबुक पे जाने के बाद मैं एक नई पाइथन की जुपिटर नोटबुक जो है उसे ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसका टाइटल देता हूँ जो लोग कहते हैं कि अन टाइटल आ रहा है यहाँ पे हम टाइटल देते हैं इसको देते हैं नम पाई प्रैक्टिस ठीक है और कोशिश करें इस तरीके से हो तो ये नम पाई प्रैक्टिस की आई पाईथॉन आई पी वाई कर्नल के थ्रू हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे लिखूँगा नम पाई प्रैक्टिस सेशन ठीक है इसको मैं नोटबुक में कन्वर्ट करता हूँ एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस तो सबसे पहले अगर आपने पाइथन की लाइब्रेरी अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक में किसी तरीके से नहीं काम कर रही है और रेडी तो यहाँ पे इंस्टॉल होती है नम पाई लाइब्रेरी जो है इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल इट हियर यू कैन आल्सो राइट पाई टिप इंस्टॉल नम पाई तो ये यह यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगी अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है अगर आप एनागोना से स्टार्ट करते हैं देन ऑन द सेकेंड स्टेप यू हैव टू इम्पोर्ट दिस लाइब्रेरी इन नोट बुक जुपिटर नोट बुक जे नोट बुक ठीक है नोट बुक तो यहाँ पर इम्पोर्ट कैसे करनी है आपने लिखना है इम्पोर्ट नम पाई एज़ एन पी सारी दुनिया एज़ एन पी करती है तो यू हैव टू एक्चुअली फॉलो द डेटा साइंस कम्यूनिटी कि आप भी इसे एन पी के साथ जो है वो इम्पोर्ट करें तो एन पी के साथ इम्पोर्ट करने के बाद आप क्या करें जनाब अली अपनी एरेज बनाना स्टार्ट कर दें ठीक है अपनी एरेज आपने किस तरीके से बनानी है सिंपली डिफरेंट मैथड्स हैं एंड नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग एरेज और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ यहाँ पे साथ साथ प्रैक्टिस करें ठीक है क्रिएटिंग एन एरे यूजिंग नम फाई लाइब्रेरी तो अगर मैं इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दूँ तो ये इस तरह आ जाएगी एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड विद numpy library ठीक है मैंने ये वाली चीज़ रन नहीं की अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये इम्पोर्ट हो चुकी है ये आप देखें कि वन आया तो ये इम्पोर्ट हो चुकी है नाउ वी कैन मूव फर्दर विद यूजिंग एंड क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी अरे मैं ए एक वेरिएबल देता हूँ या इससे पहले ही एन पी डॉट यहाँ पर मैं टैब दबाऊँगा जो कैप्सलॉगस के ऊपर होता था ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस तरीके से आप एन पी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स लेकिन मैंने एरे की बात की सो वी विल यूज़ एरे हीयर तो ये देखें ए रेंज और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं देन वी विल स्टार्ट विद एन पी एरे एरे के अंदर हम एक लिस्ट की तरह का आर्गूमेंट देते हैं और यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ जो मैंने मिसाल दी थी पकौड़ा पकौड़ा भी बोलते हैं समोसा देन रायता तो ये एक एरे हमारे पास बन जाएगी ठीक है एरे बन गई एंड इफ़ यू पुट दैट एरे इन टू अ वेरिएबल कॉल्ड फूड तो ये फूड की एरे बन गई बट डिडन प्रिंट इट ही मैं यहाँ पे फूड की एरे बनाता हूँ फूड को प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे पास फूड की एरे आ गई है अब यहाँ पे तीन किस्म की ये चीज़ें हैं ठीक है और हमारे पास एक डी टाइप डेटा टाइप आई है ठीक है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे फर्स्ट वी मूव फर्दर विद अनदर एरे नंबर्स की नंबर्स की क्या है या इसकी प्राइसेस की बात कर लेते हैं प्राइसेस उसकी हैं जनाब एन पी डॉट एरे इसके अंदर में इसकी प्राइसेस जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में बताई थी पाँच 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 तो इसको प्राइस को यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो ये इसकी एरे बन जाएगी ठीक है, है तो इस तरीके से हम वन डायमेंशनल एरे बना सकते हैं तो ये वन डायमेंशन है वन डी एरे से बोलते हैं वन डी एरे ठीक है तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं अगर आपने इसकी टाइप देखनी हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप और प्राइस के डेटा टाइप जो है उसका क्या है जी नम पाई की एन डायमेंशनल एरे है ये ठीक है एन डी मतलब एन डायमेंशनल कोई भी हो सकती है वन डायमेंशनल टू डायमेंशन थ्री डिमेंशन बट ये नम पाई का एक एरे डेटा टाइप है जो यूज़ होता है जो मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया ठीक है, है तो अगर यहीं पर प्राइस की बजाय हम यहाँ पर लिखें टाइप फोर फूड तो ये देखें ये भी नम पाई की एन डिमेंशनल है है अब दोनों की लेंथ चेक करते हैं ठीक है लेंथ के लिए हमें एल ई एन का फंक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा टाइप ही है और प्राइसिस की पहले चेक करते हैं प्राइस की तो देखें थ्री है तो सिमिलर अगर हम यहाँ पे फूड लिखते हैं तो उसकी भी थ्री होगी क्योंकि वन टू थ्री ये है अब इसकी इंडेक्सिंग की बात करते हैं जो बड़ा एक नॉर्मल सा फंक्शन है जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ये ओपन करते हैं और अगर हमने तीन यहाँ पे दिया तो लेट्स सी क्या होता है कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ लेकिन अगर हम दो देते हैं यहाँ पे तो फाइव प्रिंट होता है वजह क्या है कि जीरो वन एंड टू बिकॉज द लास्ट डिजिट इन एरेज़ और पाइथोन इज़ एक्चुअली एक्सक्लूसिव जो मैंने बार बार ये चीज़ आपको बताई है कि ये एक्सक्लूसिव होता है इस वजह से ये ज़ीरो इंडेक्स पे है ये वन पे है और ये टू इंडेक्स पे है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिंट एवरी थिंग फ्राम जीरो टू एंड यू कैन एक्चुअली डू दिस स्टफ़ लाइक यू ओनली पुट कॉलम और कंट्रोल एंटर दबाएँ तो ये तीनों आ जाती है तो ये एरेज़ की सिंपल सी एग्जाम्पल है और इसी तरह अगर आप जो है फूड वाली एरे के अंदर यहाँ पे फूड वाली एरे के अंदर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ समोसा आए तो यहाँ पर आप समोसा लिखें देन यू सी देर इज़ एन एरर सो वट वी हैव टू डू एक्चुअली वी हैव टू गो एंड फाइंड आउट वस द एर हेयर यू कैन सी के एस उसका बड़ा है हम ऐस बड़ा लगा के देखते हैं तो स्टिल ये यह एर यहाँ पे आ रही है तो हमें उसकी इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे जो है जीरो एंड देन वन अगर हम यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर वन देते हैं तो फूड में से सिर्फ समोसा हमें आएगा सो दैट द थिंग हाउ वी कैन एक्चुअली इंडेक्स डिफरेंट स्टफ इन एंड एरे अब देखते हैं डिफरेंट फंक्शन एरे के यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फूड और डॉट लिखूँ क्योंकि ये एरे ऑब्जेक्ट है तो आप देखेंगे डिफरेंट किस्म की इसमें चीज़ें अंदर आनी शुरू हो जाएंगी ठीक है डेटा टाइप डांप और यह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी ठीक है एंड वी हैव टू एक्चुअली गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स बट नॉट नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं फूड की बजाय प्राइसज लिखूँ प्राइस डॉट और इसके अंदर मैं मेन लिख दूँ लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं करता वी यू हैव टू सी तो ये देखें कि फाइव मेन आ गया ठीक है तो एरे का मेन और एरे के जितने भी स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन हैं वी कैन एक्चुअली डू फ्राम दिस स्टफ़ और इसके एग्ज़ाम्पल डिफरेंट uh, चीज़ों की इस तरह है कि जब आपने एक एरे बनानी होती है तो उसके एक तो मैथड ये वाला है ठीक है एक आप रेंज मेथड देते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था अब हम बारी बारी जितने भी इनके मेथड्स हैं बनाने के वो देखते हैं सबसे पहले मैं देखता हूँ जीरोज़ मेथड क्या है ठीक है जीरोज़ मेथड में हम क्या करते हैं हम सिंपली एन पी डॉट जीरो जीरोज लगाते हैं और उसको बताते हैं कि ठीक है जी सिक्स तक बना दो लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं तो ये देखें हमने यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगाई वी जस्ट गेव इट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के छः इसमें चीज़ें आए एक दो तीन चार पाँच छ लेकिन आप देखें कि अगर मैं इसको सिक्स बाई थ्री करूँगा तो ये कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा उसकी रीज़न क्या है दैट वी विल सी इन कमिंग टू डायमेंशनल एरे तो यहाँ तक हो गया जीरोज़ की एंड देन इफ़ वी वॉन्ट टू मेक एन एरे ऑफ वंस देन वी कैन राइट हीयर एन पी डॉट वंस और इसके अंदर हम फाइव लिख देते हैं तो अब ये देखेंगे पांच दफा एक आ गया ठीक है और इसी तरह अगर हम यहाँ पे एम्प्टी की एक बनाते हैं अभी यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट आने वाली है एन पी डॉट एम टी और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फाइव तो ये भी यही दे रहा है जो एन पी डॉट फंड ने दिया था तो आपकी असाइनमेंट ये है या आपका गूगल से सर्च करना आपने ये है कि यहाँ पे एम टी सेल्स आने चाहिए या वन आना चाहिए और इसकी रीज़न क्या है इसके पीछे ठीक है तो यहाँ तक आपने ये प्रैक्टिस साथ साथ करनी है एंड देन इफ यू गिव आर रेंज एन पी डॉट रेंज ए रेंज ये रेंज देते हैं आप कहते हैं कि टेन तक आ जाए सारे ठीक है तो आप देखेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक्सक्लूसिव हो जाएगा इसमें जैसे मैंने आपको बताया पाइथन में एंड लास्ट वर्ड जो है एक्सक्लूसिव होता है अब यहाँ पे हमने फाइव लिखा तो पांच दफ़ा सेम वैल्यूज़ आई यहाँ पे पांच लिखा तो यहाँ पे भी पांच दफ़ा सेम वैल्यूज आई यहाँ पे लिखा तो पांच दफा छः दफ़ा जीरो आ गए इसको भी पांच छ कर लेते हैं चलो ठीक है एंड यहाँ पे हमने लिखा तो यहाँ पे एक रेंज आ गई ठीक है ज़ीरो से टेन तक अगर इसी स्पेसिफिक रेंज को हम एक और तरीके से देखना चाहें रेंज को यहाँ से स्पेसिफाई करना चाहें इसी रेंज को देन व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली वी हैव टू राइट ए रेंज एक रेंज दो से लेके कर बीस तक ठीक है अगर मैं ऐसे टू टू ट्वेंटी लिखूँगा जो इंग्लिश में या हम नोमरिकल इन्फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं कि टू टू ट्वेंटी देन एक्चुअली इट डजेंट शो एनी थिंग हीयर क्यों हमने यहाँ पे तरीकाकार गलत यूज़ किया है अगर हम कॉमा यूज करें देन लुक इट वर्कस लाइक दिस सो हमने कोमे के बाद यहाँ पर यह चीज़ लिखनी अभी टू टू ट्वेंटी सारी चीज़ें आ गई बट चीज़ ये है कि आई वॉन्ट दिस स्पेसिफिक रेंज द सेम स्पेसिफिक रेंज विद अ स्पेसिफिक इंटरवल इन साइड दिस एरे तो मैं क्या करूँगा एन पी डॉट ए रेंज लिखने के बाद टू कोमा ट्वेंटी कोमा फिर इसके बाद तीसरी वैल्यू जो होगी दैट इज फॉर एन इंटरवल मैं कहता हूँ कि दो के फर्क से आए सारी चीजें तो आप देखें यहां पे आ रहा है दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बट हियर इज लाइक टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोरटीन सिक्सटीन एंड एटीन ट्वेंटी अगेन एक्सक्लूसिव है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ठीक है तो आप देखेंगे हमने दो का इंटरवल लगाया तो इस तरीके से आ गई अभी इसकी मिसाल ऐसे लगाते हैं कि मैं यहाँ पे स्पेसिफ़िक इंटरवल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल एक एक आपको चीज़ दिखाने लगा क्या है जनाब ए रेंज मैंने लगाई ए रेंज लगाने के बाद मैंने कहा जनाब ज़ीरो से पचास तक पाँच का ये देखें इसको कोमा लगा के मैंने किया लुक एक छः सात ग्यारह ये आ गया मैं अगर कहूँ कि ज़ीरो से सॉरी मैंने एक से कर दिया तो एक्चुअली टेबल ऑफ फाइव ये हमने टेबल ऑफ फाइव बनाया है जीरो इसमें नहीं होगा तो हम इसे पाँच से भी स्टार्ट कर सकते हैं फाइव वन जर फाइव फाइव टू जो टेन फाइव थ्री जर फिफ्टीन फोर ज़ार ट्वेंटी फाइव जो ट्वेंटी फाइव सिक्स हज़ार थर्टी सेवन जार थर्टी फाइव एट ज़ार फोर्टी नाइन ज़ार फोर्टी फाइव अभी ये मसला क्या है कि एंड वाला एक्सक्लूसिव होता है सो इन पाइथन वी हैव टू राइट फाइव टेन जर फिफ्टी सो देन वी विल गेट द लास्ट आंसर पंजाबी में कहते हैं तो पैंते दस पैंते पंद्रह पंचों का वह पंजों पच्ची पंच के तीस पंजी सत पैंतीस पंजू अठ चाली पंजू नय पैंतालीस पंजो दा पाँ अगर कोई बंदा पछ तो सिंधी बलोची किसी में भी कोई ये करना चाहता मुझे रिकॉर्डिंग भेजें आई विल ट्राई टू मेमोराइज एंड दन आई कैन प्रोनाउंस इट इन दैट लैंग्वेज एज वेल बिकॉज वी आर एक्चुअली फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान तो दो एक बार पाँच एक बार पाँच पाँच दो बार दस पाँच तीन बार पंद्रह पाँच चार बार बीस पाँच पाँच बार पच्चीस पाँच छः बार तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस एंड पचास तो उर्दू में भी हो गया जनाब अली तो इस तरह से हम टेबल भी लिख सकते हैं तो अगर आपने बच्चों को पाइथन सिखानी हो तो, तो देन यू कैन गो विद दिस के पाइथन का ये लिखो आपको सारा टेबल आ जाएगा दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल के हाउ यू कैन एक्चुअली मेक अ स्पेसिफिक रेंज एंड देन एक्चुअली यू कैन मेक अनदर एरे विद स्पेसिफिक लाइन स्पेस लाइन स्पेस के थ्रू करते हैं और इसके लिए आपको एन पी डॉट लाइन स्पेस का आर्गोमेंट यूज़ करना पड़ता है और इसके अंदर आपको असल में रेंज देनी पड़ती है जीरो से दस रेंज नहीं है असल में ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है देन नम इज़ इक्वल टू फाइव लेट्स सी तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक इंटरवल पे पाँच नंबर आ जाए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आठ तो इन सभी का ना स्पेसिफिक इंटरवल होगा इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि जीरो से हंड्रेड तक मेरे पास एक चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि दस के हिसाब से ना सारा इनमें डिफरेंस आए इसको वन से हंड्रेड कर लेते हैं देन यू कैन सी हियर कि ये दस नंबर आए हैं और इनका इंटरवल सेम है सभी का कैसे है यू हैव टू एक्चुअली सी अगर मैं यहीं पे इसको फिफ्टी कर दूँ तो मेरे पास पचास नंबर आ जाएंगे सो इन दिस वे वी कैन जनरेट अ काइंड ऑफ रेंडम डेटा इन साइड आ लेकिन ये स्पेसिफिक रेंडम नहीं है ये एक्चुअली ए रेंज है कैसे इसकी मिसाल यही है कि दस तक मुझे मेरे पास एक रेंज है एक से दस तक जितने पांच नंबर आते हैं और उनका सभी का आगे वाला डिस्टेंस और पीछे वाले हिंसे के साथ या फिगर के साथ डिस्टेंस जो है वो लाइन स्पेस जैसे हम बोलते हैं वो सेम हो लाइक like, इसका और इसका जो माइनस करके रिज़ल्ट आएगा ना वही इसका और इसका आएगा ठीक है और इसका और इसका भी माइनस करके वही रिजल्ट आएगा अगर इसमें से ये माइनस करे तब भी वही रिजल्ट आएगा दैट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ लाइन स्पेसिंग एंड फिर हम डेटा टाइप अपनी स्पेसिफाई कर सकते हैं स्पेसिफाई योर डेटा टाइप ये क्यों ज़रूरी है इसके लिए अभी बात करते हैं मैं एन पी डॉट वंस वाला फंक्शन आपको पहले दिखाया सेम वही हमने यूज़ करना है और यहाँ पे पाँच फिर डी टाइप यूज़ करते हैं ज इक्वल टू इंट मैंने ये आपको बताया था आप इस तरीके से इंट यूज करने के बाद एन पी डॉट इंट इंट यूज करने के बाद सिक्सटी फोर फॉर एग्जाम्पल अगर यूज करते हैं देन यू कैन सी हेयर के हमारे पास पांच ऐसे इंटीजर आए हैं ठीक है लुक और इसे मैं अगर यहां पर पचास लिख दू तो पचास दफा हमारे पास इंटीजियर आ जाएंगे इफ आई राइट हेयर फ्लोट द सेम थिंग एंड इफ़ आई राइट हेयर फ्लोट जस्ट अ मोमेंट इसको मैं कॉपी करता हूँ मैं एन पी इसकी बजाय इसमें यहाँ पर फ्लोट कर देता हूँ देन यू कैन सी देर इज़ अ पॉइंट आफ्टर दैट तो इसका मतलब यह है कि हमें डिफरेंट किस्म के जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं स्पेसिफ़िक इंटीजर आइडेंटिफाई करने के बाद डेटा टाइप देने के बाद ठीक है इंटीजर या फ्लोर चाहिए हमें किसी एरे में या कोई डेटा बनाते हुए क्योंकि ये एरेज और डेटा टाइप्स हम हमेशा कोडिंग में यूज़ करते हैं हमें जब कोई डेटा साइट बिल्डअप करना होता है या हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिसिंग वैल्यूज़ फ़ाउंड करनी वहाँ पर भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं हम जो हमारे पास नॉट एप्लीकेबल या आउट ऑफ द स्टॉक वैल्यूज़ आ जाती हैं उनको भी फाइंड करने के लिए हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं और इसकी बेसिक्स जो हैं वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे एरे का सिंपल हमने यूज़ देखना है कि इसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखते हैं सॉर्टिंग या यहाँ पे सिंपली इसको मैं कह देता हूँ एरे फंक्शंस एरे के फंक्शन कौन कौन से हैं आई होप सो कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लगता है मेरी स्पीड है यू कैन एक्चुअली पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस अलॉन्ग मी मैं ज़रा गला गया पानी पी लूं। सिंपल क्या चीज़ है जो हमने स्ट्रिंग के साथ किया था जो हमने लिस्ट के साथ किया था वही हम यहाँ पे करेंगे मैं एक एरे बनाता हूँ एन डॉट एरे बनाने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ देखना ज़रा दस बारह पंद्रह दो चार छ एक सौ यहां पे कर देता हूँ दो तीन सौ बीस जीरो पॉइंट फाइव टेन पॉइंट थ्री ये मैंने फ्लोट और इंटीजर की बनाई है एरे लेट्स सी ये एरे बनती है या नहीं बनती बन गई है क्यों उसने बाकी सभी को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ही टुक एवरी थिंग एज फ्लोट ठीक है टेन पॉइंट जीरो कर दिया ट्वेल्व पॉइंट कुछ कर दिया तो ये फ्लोट के एक एरे बनी है नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू एक्चुअली सोड दिस एरे तो आप क्या करोगे ए डॉट एस ओ आर टी सॉर्ट और इसको सिर्फ फंक्शन लगाने के बाद इसको अगर आप करते हो यहाँ पे प्रिंट ना लुक तो जीरो पॉइंट फाइव पहले आ गया और ये असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी ठीक हो गया अब अगर हम इसको ए सॉरी ए डॉट यहां पे ये यह फंक्शन देखें ये सारे के सारे हम फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर मैं सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे बताने लगा देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली एक ही लाइब्रेरी पे हमारे चार दिन लग जाएंगे बट यू कैन डू यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस ऑल दीज फंक्शन बाई योर सेल्फ एंड देन ट्राई टू एक्चुअली स्टेप देम एंड नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ इसको आपने फिर बाद में कमेंट्स में लिख देना है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं बताऊंगा आप पढ़ेंगे नहीं और अगर मैं बताऊंगा कि कहाँ से मिलने मैंने लिंक आपको दिया हुआ है आप वहाँ से ये मैनुअल जो है पूरा देख सकते हैं मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूंगा एंड देन हम क्या करते हैं कौनकेटिनेट दो एरेज को करना है ए हमने बना ली अब एक बी एरे बनाते हैं ठीक है बी इज़ इक्वल टू एन पी डॉट एरे ठीक है इसके अंदर हम करते हैं टेन पॉइंट टू थ्री पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स मैं अभी रैंडम वैल्यूज़ डाल रहा हूँ आप भी डाल सकते हैं तो ये मेरे पास बी एरे बन गई ठीक है सिंपल क्या है हमने कंकाटिनेट करना है कंकाटिनेट करने का मैंने आपको बताया था उसके लिए आपने सिंपली लिखना है एन पी डॉट फिर इसके अंदर आपने लिखनी है एरे ए कॉमा बी तो ये आपके पास इस तरीके से दोनों कंकाटिनेट हो गई हैं एरे ए यहाँ पे आ गई है और उसके बाद एरे बी यहाँ तक स्टार्ट हो रही है ठीक है आप अब इन इनको भी एक फ़ंक्शन सी देने के बाद सी इसको करें करने के बाद आप सी को भी सॉर्ट कर सकते हैं ठीक है तो वो सारे के सारे एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगी ये बड़े बड़े छोटे छोटे फंक्शंस हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से करना है तो ये देखें सारी की सारी सॉर्ट हो गई जो छोटे वाले पहले आ गए जो बड़े वाले हैं वो बाद में आ रहे हैं तो इस तरीके से आप इनको कंकैटिनेट करने के लिए डिफरेंट किस्म के मैथड्स भी यूज कर सकते हैं वो मैथड कौन कौन से हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम चलते हैं टू डायमेंशनल एरेज की तरफ टू डायमेंशनल एरे क्या होती हैं टू डैश डी एरेज टू डायमेंशनल एरे होती हैं जनाब अली जो इस तरीके से बनती हैं आई विल मेक ए टू डायमेंशनल एरे सेम वही चीज़ है ए इज़ इक्वल टू एन पी डॉट एरे लिखने के बाद इसके अंदर पहले एक स्ट्रिंग डालनी है और उस एक स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग कॉमा एक और स्ट्रिंग तो आप देखें कि ये वाली जो ग्रीन वाली है ना ये हमारी एरे है और ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है इसमें एक लिस्ट डालनी है हमने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव और दूसरे में डालता हूँ फाइव फोर थ्री टू वन तो ये हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे बन गई है और जैसे मैंने एक्सिस का आपको बताया था अगर आपको थ्योरी समझ आई थी तो ये एक्सिस जो है पहला है और ये दूसरा है अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इनको कंकैटिनेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे बाकी सारे फंक्शन सेम ही एरे के आप उस तरीके से उन्हें देख सकते हैं आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड विद सम अदर स्टफ़ तो ये हमारे पास होगी एक ए एक बी में बनाते हैं उसको मैं लिखता हूँ एन पी डॉट एरे लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक और टू डायमेंशनल एरे बनानी है तो एक दो एंड कॉमा तीन ठीक है इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिक्स सेवन और एट कॉमा नाइन तो ये मेरे पास टू डिमेंशनल एरे बी बन गई ठीक है अब इन दोनों को देखते हैं किस तरीके से हम कंकैटिनेट कर सकते हैं सिंपली वही कमांड है सी के इक्वल रख देंगे एन पी डॉट कॉन्काटिनेट करने के बाद अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देनी है कि किस किस को हमने कन्काटिनेट करना है मैं कहता हूँ ए और बी को ठीक है ए और बी को कंकर्टिनेट करने के बाद जो सी की वैल्यू आएगी वो आ गई हमारे पास अब आ रहा है यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है एरर इसकी रीजन पॉज करें और सर्च करें मैंने आपको एक्सिस की एक बात बताई थी याद करें कि ये वन एक्सेज और टू एक्सेज अभी इसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं दोनों एरेज हैं जो ये वन एक्सेस पे करूँ या एक्सेज जीरो पे करूँ या एक्सिस वन पे करूँ मतलब जो पहला एक्सेज है या दूसरा एक्सेज उस पर करूँ मैं अगर यहाँ पे एक आर्गूमेंट दे दूँ सिंपल एक्सिस का ठीक है तो एक्सिस के आर्गूमेंट के बाद अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखता हूँ देन स्टिल इट्स गिविंग एन एरर तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपने ये मुझे बताना है इसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आप जब जस्ट अ मोमेंट यहाँ पे एक एरर देखते हैं कि कहाँ पे है मैंने ए बनाई बी बनाई एंड उसको हम कॉनकेटिनेट कर रहे हैं ठीक है तो इसकी एक तरीका कार जो सोल्यूशन मुझे लगता है वो ये है कि अगर हम बी को सिंगल डायमेंशन एरे कह दें और उसको टू डायमेंशनल एरे कह दें तो इस तरीके के साथ हम ये मैंने बी को सिंगल डायमेंशन एरे कह दिया ए जो है हमारा टू डायमेंशनल एरे है तो हम ए और बी को एक्सिस ज़ीरो पे जब करते हैं देन वी कैन एक्चुअली स्टिल हैव ए प्रॉब्लम सो क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे नंबर जो इसकी लेंथ है वो सेम होनी चाहिए लेट्स ट्राई दिस और ये ए बन गई हमारे पास ये बन गई हमारे पास बी और ये बन गया अभी भी एरर एन पी डॉट कॉन अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें तो कहाँ पे एरर आ रही है लेट मी सी या तो ब्रैकेट का इशू है एक मिनट अभी भी एरर आ रही है ए एंड बी अगर मैं इसको एक्स कर दूँ एक्स इसको कर दूँ वाई इसको भी कर दूँ वाई एंड देन यहाँ पे लिखूँ एक्स और यहाँ पे लिखूँ वाई और इनको रखूँ एक ब्रैकेट में एंड देन इस ब्रैकेट से पहले लिखूँ यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू zero name error np concatenate xy name x is not defined yahan pe x ko define karte hain yahan pe y ko karte hain r f function intervals in concatenate range kx okay, all input arrays must have the same number of dimensions okay look here is the error कि आपकी same number of dimensions इसमें होनी चाहिए अभी हमारा क्या मसला है हमारी डायमेंशंस डिफरेंट हैं लेट्स ट्राई अनदर थिंग यहाँ पे सेवन कोमा एट लगते हैं वाई ये हो गया अभी वाई को क्या मसला हुआ अच्छा इसके बाहर ये नहीं लगाई इसके अंदर ये नहीं लगाया तो इस तरीके से वाई ये बन गया एक्स ये बन गया एंड नाउ वी एक्चुअली सिक्स तो यहाँ पे हमने चार चीज़ें सीखी पहली चीज़ कि इनकी डायमेंशन सेम हो देन वी कैन ऐड दैम लेकिन एक और चीज़ आपको बता तो डायमेंशन डिफरेंट हो फिर भी हम कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है दैट्स यू हैव टू सर्च मैं भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में लेकिन अभी के लिए उस पर टाइम नहीं मैं जाया करता क्योंकि मेरे सामने उसका डॉक्यूमेंट सारा पड़ा है और लाइन ये कोड नंबर कोई फिफ्टीन सिक्सटीन है जिसके अंदर ये डिटेल दी है आप डॉक्यूमेंट पढ़े आपको समझ आ जाएगी लेकिन जब डायमेंशन सेम होगी क्योंकि एरे में डायमेंशन सेम होंगी तो वो ईज़ीली यहाँ पर ऐड हो सकते हैं अभी यहाँ पे हमने एक्सेज ज़ीरो में उन्हें ऐड किया अगर मैं सेम यही वाली चीज़ उठाऊं और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एक्सेज़ वन कर दूं, तो आप देखें कि ये जो एक्सेज ज़ीरो था वो नीचे को आता था जिससे हम फर्स्ट एक्सिस बोल रहे थे एक्सिस वन जो है वो यहाँ को जा रहा है जिसको हम वन एक्सिस वन बोल रहे हैं तो आप देखें कि ये इस तरीके से स्टैक होगी वो दूसरे तरीके से स्टैक हुआ था आपको समझ आ गई होगी आई होप सो वन टू फाइव फोर सिक्स सेवन सेवन एट जब हमने इसको ऊपर से नीचे स्टैक करना था तो हमने एक्सेस जीरो लिखा तो यहाँ पे सारे के सारे ऐसे आ गई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ हमारे पास लेंथ होगी इसकी ठीक है सॉरी लेंथ इसकी चार है लेकिन हमारे पास टोटल जो है इस तरीके से आठ वैल्यूज आ गई और जब हमने इसको वन एक्सेज पे किया स्टैक तो इस तरीके से स्टैक हो गई तो इस तरीके से हम इनको डिफरेंट तरीक़ों से स्टैक भी कर सकते हैं अब चलते हैं हम एक थ्री डी या टू डी एरे जिसमें हम डिफरेंट किस्म के दूसरे फंक्शन लिखते हैं अभी सारे के सारे कोड को मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है क्योंकि अगर मैं खुद लिखने बैठा तो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा एरे एग्जांपल को हम ए कह है देते हैं अब इसमें आप देखें एन पी डॉट एरे यहाँ पर हमने एक ये वाली एरे बनाई ठीक है यहाँ से यहाँ तक और इसके अंदर टू डी है फिर हमने ये बनाई यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर टू डी है फिर हमने ये बनाई यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर टू डी है और हमने इनको जब एक एक इक्वल रख के देखा तो आप देखें कि हमारे पास ये रिजल्ट आए अभी इसमें चीज़ ये है इसमें अगर हम डायमेंशन के नंबर डिफाइन करना चाहें या फाइंड करना चाहें तो हम लिखेंगे ए फिर बाद में लिखेंगे यहाँ पे एन और डिम dim, डायमेंशन के अगर हमने नंबर फाइंड करने हैं ठीक है, है? यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ डायमेंशंस जब हमने डायमेंशनस के नंबर फाइन करने हैं तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं तो आप देखें कि असल में सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी और जब आप डायमेंशन के नंबर फाइन करते हैं ये थ्री डायमेंशनल है ठीक है तो इसमें क्या चीज़ है थ्री डायमेंशनल एरे बनाने के लिए आपको टू डायमेंशन ये बनानी पड़ेगी ठीक है फिर एक टू डायमेंशन बन गई आपकी फिर एक उसमें टू डायमेंशन आ गई तो असल में हमने तीन दफ़ा सिंगल या टू डायमेंशनल एरे को रख सकते हैं अभी इसकी मिसाल एक और एक, एक और तरह लेते हैं कि हम बी एक एरे बनाते हैं एन डॉट एरे एन पी डॉट सॉरी एन पी डॉट एरे बनाने के बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं पहले सिंगल एरे बनाते हैं ये हमने थ्री डिमेंशनल के लिए सारा क्या सारा बना लिया अब इसके अंदर एक बनाते हैं अरे जिसमें लिखता हूँ पाँच छ सात ठीक है इसके बाद मैंने लगाया कोमा यहाँ पे लिखा आठ इसके अंदर एक और एरे आ गई आठ नौ दस ये आ गया अब आप देखें कि ये होगी एक एरे दो एरे और जब हमने यहाँ पे लिखा दस ग्यारह बारह तो ये होगी तीसरी एरे अब आपको क्या लगता है कि ये जो एरे मैंने बनाई है बी इज दिस थ्री डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे और वन डायमेंशनल एरे पॉज करें वीडियो को और सर्च करें ये वाला फंक्शन लगाने के बाद अगर आपने पॉज नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे अगर हम बी डॉट एन डिम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा तो ये टू डायमेंशनल एरे है क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे आप देखें कि इस तरीके से थ्री बाई थ्री की एरे एक बनी है हमारे पास तो ये टू डायमेंशनल एरे है अगर इसी को हमने फर्दर कन्वर्ट करना हो देन वी कैन डू दिस विद डिफरेंट मेथड्स। वो कौन से हैं वो मैन मैन में दिए हुए हैं कुछ के साथ मैं गो थ्रू करूँगा बस कुछ के साथ नहीं करूँगा तो इसका मतलब ये है कि जब टू डायमेंशनल एरे के या वन डायमेंशनल एरे के तीन सेट मतलब कॉमा के बाद नई चीज़ शुरू हो जाए फिर कॉमा के बाद नई चीज शुरू हो जाए दैट मेक्स इट एज अ टेंसर टेंसर या थ्री डायमेंशनल एरे अगर आप यहां पे ए को टाइप ए की देखेंगे ना टाइप ए स्टिल इट विल गिव यू एन डी एर एट विल नॉट टेल यू हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर उसके लिए आपको एन डीम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा तो ये आपको सिंपली टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल एरे के बारे में बता सकता है और अगर आपने एरे का साइज चेक करना है तो सिंपली आप क्या लिखेंगे ए डॉट और यहाँ पे एरे ठीक है और ए डॉट एरे नहीं इसका ए डॉट साइज आएगा तो सिंपल इसका ट्वेंटी फोर आ जाता है ए में क्या है जी ट्वेंटी फोर क्या है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ तीन बार ट्वेंटी फोर चौबीस होते हैं तो ये एलिमेंट्स हैं ठीक है तो यहाँ पे साइज का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं तो इस तरीके से वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपके पास जितने जितने बड़े डेटा सेट्स होंगे ना आप इस तरीके से उनके डिफरेंट साइज ऑफ एलिमेंट्स पता कर सकते हैं अभी हम यहाँ पे शेप भी पता कर लेते हैं तो आपने क्या करना है जनाब शेप के लिए क्या करना है ए डॉट शेप दैट्स इट तो थ्री बाई टू बाई फोर थ्री क्या है थ्री इसमें ए में डमेंशनज हैं एक किस्म की ठीक है और टू इसमें क्या है जनाब अली हर डिमेंशन के अंदर रोज एंड फोर उसके क्या है जी कॉलम्स ठीक है यहाँ पे अगर मैं इसके साथ ही ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ए को लिखूं तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसको टोटल हैडर कर लेता हूँ ताकि आपके पास और स्पेस आ जाए तो यहाँ पे देखें कि ए जो है वो एरे है जिसका साइज है थ्री डायमेंशनल है ठीक है एंड टू बाय फोर के इसमें कॉलम एंड रोज हैं हर डायमेंशन के अंदर तो इस तरीके से आप एरे को देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखते हैं सिंपल है बहुत सिंपल है एक हमने एक और एरे नहीं बना ली तो जैसे जैसे मैं ए के साथ एरे बनाता जा रहा हूँ नई एरे बनती जा रही है और पुरानी उसके साथ रिप्लेस होती जा रही है एन पी डॉट ए रेंज हम बनाते हैं यहाँ पे सेवन की ठीक है तो यहाँ पे ये ए सेवन की रेंज बन गई जिसमें सेवन एलिमेंट्स हैं बनाने के बाद हम इसको रीशेप कर सकते हैं कैसे रीशेप रीशेप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ए को सिंपली लिखूंगा ए डॉट री शेप करने के बाद इसको मैं थ्री बाय टू में रीशेप कर देता हूँ लेट्स सी क्या फर्क पड़ता है इसको बी करके देखते हैं यहाँ पे कोई मसला आ रहा है लेट मी सी के क्या मसला है रीशेप भी ठीक है एन पी ए रेंज सिक्स ये बनती है ओ आई सी आपको समझ आई क्या एरर है ये अभी सेवन एलिमेंट्स हैं तो सेवन एलिमेंट्स कभी भी थ्री बाई टू ज़ार सिक्स होते हैं बट सेवन नहीं होते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नाइन बनाता हूँ ना तो यहाँ पर अगर मैं इसको रीशेप करके थ्री बाई थ्री करूँगा तो थ्री थ्री ज़ार नाइन जो नाइन होंगे तो ए को मैंने बनाया ये नाइन बन गई और यहाँ पे देखें थ्री बाई थ्री नाइन जीरो वन टू वो सारे के सारे उसमें मेल्ट हो गए तो इस तरीके से बड़े से बड़े डेटा सेट्स के रोज़ को कॉलम्स में कॉलम्स को रोज़ में इस तरीके से हम रीशेप कर सकते हैं तो रीशेप बड़ा यूज़ होने वाला है मैं भी वही परेशान था कि ये यह यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स काम आनी है फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री बाई थ्री है ये ठीक है और यहाँ पर हमने इस वजह से थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू नाइन की है ठीक है तो इस तरीके से आपको ट्रबल शूटिंग भी आनी चाहिए कि अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो आपने किस तरीके से ट्रबल शूटिंग करनी है तो दिस इज द वे टू रीशेप अ काइंड ऑफ एरे तो हम इसको एक नई शक्ल भी दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेम स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ रीशेप के लिए करने के बाद यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ आप देखें हमने एन पी रीशेप का एक और यूज़ किया किस को रीशेप करना है हमने ए को रीशेप करना है न्यू शेप उसकी वन बाई सिक्स उसने कही है ना तो हमारे पास नाइन है क्योंकि नाइन एलिमेंट्स हम इसको नाइन करेंगे ऑर्डर इसका सी है ये इसका ये वाला ऑर्डर हो जाएगा अगर हम यहाँ पे बी करते हैं तो क्या आता है कुछ भी चीज़ नहीं है तो ये असल में हमें देखना पड़ेगा कि शेप के अंदर ए क्या है बी क्या है सी क्या है और डी क्या है तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी लेकिन बेसिकली ये वाली जो कॉलम है अगर हम रोज कहेंगे तो नो नाट वर्किंग एनी मोर आई एम जस्ट मेकिंग इट हिट एंड ट्रायल मैथड क्योंकि मसला ये है कि आपको पूरा मैनुअल पढ़ना पड़ेगा लेकिन सारी की सारी चीज़ें आपकी पूरी डेटा साइंस में यूज़ नहीं होती मैं पहली चीज़ बता दूँ कुछ फंक्शंस यूज़ होते हैं जब वो यूज़ होंगे देन वी कैन एक्चुअली बैक कम बैक एंड वॉच इन नम पाई मैनूअल के कौन सी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं एंड किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं अभी सिंपल मैंने आपको पहले बताया अभी वन डी एरे को टू डी एरे में कैसे कन्वर्ट करना है कन्वर्ट वन डी इंटू टू डी सिंपली मैंने एक एरे बनानी है दोबारा से एन पी डॉट एरे बनाने के बाद इसके अंदर मैंने वन डी एरे बनानी है टू थ्री फोर फाइव सिक्स बना ली बनाने के बाद मैंने ए को प्रिंट किया तो यहाँ पे आ गई इसको मैं सेवन एट नाइन करता हूँ तो ये नाइन हमारे पास डिजिट्स आ गए अब इसको हमने टू डी में कैसे कन्वर्ट करना है अगर मैं पहले इसकी ए डॉट शेप देखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि नाइन इसमें एलिमेंट्स हैं अब मुझे समझ आ गई है कि मैंने नाइन में इन्हें कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा जनाब अली इसको मैं बी कह देता हूँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसे मैं बी कह देता हूँ बी इज़ इक्वल टू इसको मैं करता हूँ जनाब एन पी डॉट नहीं हम करेंगे ए इसके अंदर हम करेंगे एन पी डॉट न्यू एक्सिस और उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हम ले आएंगे बी में तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू डी एरे में लेकिन यहाँ पे न्यू एक्सिस के अंदर हमने कोई भी शेप उसकी जो है वो डिफाइन नहीं की फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें कि शेप बी डॉट शेप करते हैं तो क्या होता है ये देखिए आप वन बाई नाइन हो चुकी है तो इसका मतलब है कि ये वाली टू डी में कन्वर्ट हो चुकी है सिंगल डायमेंशनल है रे बट एक्चुअली इट्स कन्वर्टेड इन टू टू डी क्यों यहाँ भी ये देखिए दो ब्रैकेट्स आ गई हैं फॉर अ न्यू एक्सिस बन गया उसका लेकिन इनविजिबल एक्सिस है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हमने इनको कन्वर्ट करना है और कॉलम कन्वर्जन भी है रो कन्वर्जन कन्वर्जन भी है हम उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने सेम चीज़ को उठाया पेस्ट किया यहां पे इसको मैं कह देता हूं सी इसको भी कह देता हूं सी ये वाला न्यू एक्सिस हम कॉलन वाले के बाद ले जाएं तो क्या होता है लेट्स सी तो आप देखें कॉलम वाइज उसको टू डायमेंशनल कर दिया तो जब आप ये कॉलम वाइज करना है टू डी और ये वाली आपकी रो वाइज टू डी कन्वर्जन है टू डी तो इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के एर को बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग मैंने आपको पहले बता दिया था दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इंडेक्सिंग कैसे करनी है सेम वही चीज़ है सी मतलब हमारे पास एक एरे है ए उसमें ये सारी चीज़ें वन डायमेंशनल एरे है ठीक है अगर मैं इसको ए स्लाइसिंग करनी है मैं कहता हूँ टू से सिक्स तक इसको प्रिंट कर दो तो जो टू पे है वो थ्री है और सिक्स जो है सिक्स पे इस तरीके से ये सारी आ जाएगी कभी कुछ एक्सक्लूसिव होता है और कभी इंक्लूसिव होता है तो इस तरीके को आप देख के भी जज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर नाइन लिखता हूँ तो नाइन मेरे पास प्रिंट हो रहा है बहुत सारे लोगों का नहीं होगा मे बी देर इज़ एन एरर विद देयर सिस्टम तो आप इस तरीके से डिफरेंट एरेज़ को स्लाइसिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन हैं ऑपरेशन हैं कि एरे को आपने जमा कैसे करना है माइनस कैसे करना है और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बट आई एम आई एम नॉट गोइंग एक्चुअली इन टू डिटेल्स ऑफ एवरी थिंग यू कैन डू इट आप एरे को रिपीटिशन में लेके जा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं ए के साथ सिक्स करूँ तो आप ये देखें कि वही एरे सारे के सारी सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई है वो कैसे हुई है ये देखें ये एरे थी अभी एक ए को मैंने सिक्स के साथ किया तो सारे एलिमेंट्स एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं मल्टीप्लाई हो चुके हैं सिक्स के साथ अगर मैं प्लस सिक्स करूँ दैन सी तो वह सभी के साथ प्लस सिक्स हो जाएगा तो एरे इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है इस वजह से ज़्यादा कंपैक्ट हैं कि आप एक ऑपरेशन करते हैं और सभी के साथ इजीली हो जाता है ठीक है और अगर आप इसी एरे का सम लेना चाहें तो आप सम लिखने के बाद सॉरी ए डॉट सम करेंगे तो आपको ये सारी एरे का सम मिल जाएगा अगर आपने इसका सॉरी यहाँ पे इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया देन अगर आप यहाँ पे एरे का मीन करना चाहें तो वो मिल जाएगा आपको फंक्शन ये है तो आपको पूरी एरे का मीन मिल गया तो एन पी में बहुत सारे फंक्शन हैं बेबहहा फंक्शन है मैंने असल में ये सारा कुछ आपको लाइव सेक्शन में सेशन में बताना था बट आई नो दैट के जूम की मीटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं इस वजह से मैं अभी इन चीज़ों को बता रहा हूँ एंड देन हम बाकी चीज़ें जो है स्लाइसिंग और बाकी सारी चीज़ें आप मैनुअल से देख सकते हैं जिसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे खोल के बता देता हूँ आपने सिंपली क्या करना है ये नम का पैकेज है यूज़र गाइड में जाना है जाने के बाद आपने एबसलूट बिगिनर गाइड ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस एवरीथिंग एंड मेक योर ओन नोटबुक आफ्टर दिस और जब आप ये नोटबुक बना लेंगे देन वी विल एक्चुअली सी कि हमने क्या करना है थैंक यू सो मच जी इस वीडियो को देखने के लिए अभी आपने नम पाई पर इतनी प्रैक्टिस करनी है इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यू एक्चुअली हैव टू गो थ्रू विद ऑल द फंक्शंस ठीक है जो इस मैनुअल के अंदर है और इस मैनुअल को देखने के बाद आपने वो नोटबुक बनाने के बाद गिटहब पे अपलोड करनी है वेन एवल से ठीक है और रेपोजिट्री में करनी है और नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो पैंडास पे आ रही है और पैंडास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है बट आफ्टर वेन यू हैव प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स ऑन नम्पाई अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया लाइक कर दें और इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें क्यों मैं सब्सक्राइब और लाइक का कह रहा हूँ उसकी रीज़न है दैन दैट वी विल एक्सप्लोर वैन वी विल रीच एट द एंड ऑफ़ दिस कोर्स थैंक यू सो मच जी टेक केयर अमार तुफैल को यानी कि अपने बाबा अमार को इजाज़त दे दी और चिल्ले में जुड़े रहिए अल्लाह निगेबान